जिंदगी बदल दी। इब्राहिम शहजादी, ठीक है ना? ठीक हूँ बिल्कुल। कैसे ठीक ना हूं मैं? इब्राहिम जुड़वा हुए हैं, ये दुख्तर और ये पिसर। अल्लाह ने आखिर इनायत कर दी। शुक्र है बहुत, तुम मेरे पास हो, हमारे बच्चे हमारे पास हैं। इब्राहिम, महल में खबर करवाती है क्या? इस वक्त ये मुनासिब नहीं होगा शहजादी, कल खबर कर देंगे। ठीक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हारा नाम उस्मान है, तुम्हारा नाम उस्मान है, तुम्हारा नाम उस्मान है। अल्लाह सलामत रखे। ये लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दुख्तर हूर जहां और पिसर उस्मान को खूब रू जवान करे। हमारे इन दोनों बच्चों को अपने हिफ्ज व अमान में रखे। अल्लाह इन्हें नसीबवर बनाए और इन्हें बहुत बड़ी सल्तनत बख्शे। आमीन आमीन। मेरे आका, खुदा कभी भी तुम्हें कोई सदमा और कोई गम ना दिखाए। आमीन। खैरियत तो है निकाल काल्फा, पहले ही दिन कैसे आना हो गया? क्या वहां से भी निकाल दिया तुम्हें? कुछ नहीं हुआ। वल्ला वही है। निगार काल्फा, खैरियत होगी इंशाल्लाह, सब ठीक है? ठीक हूँ आखा। अभी तुम कैसे आ गए? तुमने कहा था हफ्ता दजन में आऊंगी। मेरा कुछ जरूरी सामान रह गया था, वही लेने आई थी महल से। सच बताओ मुझे, कहीं तुम्हें उस बूढ़े गंजे ने मारा तो नहीं, पीटा तो नहीं? बताओ मुझे। ठीक हो आगा, फिक्र ना करो, मैं बहुत खुश हूं कसम से। झूठ मत बोलो, कुछ हुआ जरूर है। वल्ला मैं जान ले लूंगा उसकी। रुको तो सही आगा, यकीन करो मेरा। ओ, ये कौन आया है भाई, कौन आया है? खुश आमदीद। शुक्रिया आगा, क्या हाल है? ठीक। तुम्हारा चेहरा खिल उठा माशाल्लाह, गालों पे सुर्खी आ गई है। तुम्हें क्या इसके गालों से? हाँ बेअदब, हट हट, एकदम बुद्धू। तुम हो मदहोश? मैं नहीं, तुम हो मदहोश। आगा क्या हुआ? अभी कल तो आंसू बहा रही थी तुम। ऐसा ही होता है आगा, रुखसती पर हर लड़की रोती है। हाँ, क्यों आई हो? खबर मिली है तुम्हें कोई? कैसी खबर?
खजीना सुल्तान कश्यप माँ बन गई हैं, वो भी जुड़वा की। माशाल्लाह। सच कह रहे हो? अल्लाह इन दोनों बच्चों को आपका सादतमंद बनाए पाशा। मुबारक हो, आप दोनों के घर में हमेशा खुशियां बरसें। आमीन। आमीन। तुम कितनी दोगली हो तुम वैसे? ये बहरूप किस तरह से धार लेती हो तुम? एक ताज और पहन लिया, हर जगह हमारी तौहीन करती हो। मलिका, पुरसुकून रहे खुदारा। और कितना मैं पुरसुकून रहूं इब्राहिम? कोई ऐसा नहीं जो इसे इसकी औकात याद दिलाए। क्या आप भी इसके तरफदार बन गए? गुलामी करेंगे इस नागिन की? माह दौरा, मुंह संभाल कर बात करो। नहीं करूंगी तो क्या कर लोगी? मलिका, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा तुम्हें। क्या कर लोगी? फिर से जाके आका से शिकायत करोगी मेरी? तो करो शिकायत, रुको नहीं। मलिका, गुजारिश करता हूं, जब से मैं इस महल में आई हूं मुझे कायदे और कानून सिखाए जाते रहे हैं, और अब जब यही कायदे और कानून आप लोगों के सामने आए तो तकलीफ हो रही है। कैसी हुआ बेके, कोई परेशानी तो नहीं है? बाबा की तरफ से बहुत परेशान हुआ का, क्या खबर आई है कोई? घबराओ मत, सब खबर है मुझे। डरो नहीं प्यारी बेटी, साहब गराई के लिए जो कुछ हो सका करेंगे। मुझे सारा दिन महल में बैठने की आदत नहीं है आका, अगर इजाजत दें तो बाहर जाकर शहसवारी करना चाहती हूँ। तुम जब भी चाहो पाए भाग जा सकती हो, शहसवारी भी कर सकती हो। माल कोचो। फरमाइए आका। शहजादी के लिए बेहतरीन सवारी तैयार करवाएं फौरन, इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम पर है, जहाँ भी जाए तुम साथ रहना। मैं अपनी हिफाजत करना जानती हूँ आका, जरूरत नहीं है कोई। आए बेगी, जिद ना करो, तुम हमारे पास अमानत हो। उरम, अब चलना चाहिए। अब वो हमें कवानीन सिखाएगी, जैसे उसने खुद कोई नाफरमानी ना की हो कभी। मालिका, आप गलती कर रही हैं। तुम गलती कर रहे हो इब्राहिम पाशा, कैसे इजाजत दे सकते हो उसे सारी हदें फरांगने की? शुरू में ही कहा था तुमसे, अगर उस वक्त संजीदगी से लेते तो आज ये सब कुछ नहीं होता इब्राहिम पाशा। मलिका, मैंने आपसे वादा किया था ना कि जब तक जिंदा रहूंगा आपकी और मुस्तफा की हिफाजत करूंगा, लेकिन आप अपने गुस्से पर काबू नहीं रख रही तो मैं कैसे आपकी हिफाजत करूंगा? मत करो हिफाजत इब्राहिम, ऐसे जीने से तो मैं मरने को तरजीह दूंगी। ये ना करें, ना करें ऐसा। बहुत हो गया इब्राहिम, अपना सर नहीं झुकाऊंगी, मुकद्दर से हार नहीं मानूंगी। मेरी बग्घी तैयार करवाएं जल्दी। मुबारक हो मतरक्ची, शादी हो गई आपकी, अब तो भूल जाएंगे हमें। नहीं, परेशान मत हो, जैसा पहले था वैसा ही हूं मैं। Thank you.
सलाम पाशा। कहो क्या है? आपको पाशा बुला रहे हैं। आला चलो। तहकीकात से कोई सुराग मिला कि नहीं मुझे ये बताओ बाली साहब। बहराम पाशा की बहुत अरसे से निगरानी कर रहा हूँ लेकिन अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। हो सकता है बेकसूर हो क्योंकि मेरी जान भी बचाई, इसलिए वो मेरे साथ ये साजिश करने की जुर्रत कैसे करेगा? उसके पास इतनी अकल नहीं और ना ही ताकत। अकल खुदा के सिवा कोई नहीं दे सकता पाशा। देखते हैं वाली साहब, आप तहकीकात जारी रखें, अगर कोई सुराग मिले तो पहले मुझे खबर देंगे। जो आपका हुक्म। आका से मुलाकात की थी, मनसब का तलबगार हुआ लेकिन जवाब नहीं मिला अभी तक कोई। पाशा एहतियात नहीं छोड़ना, जल्द अज जल्द दरबार में शामिल होना जरूरी है। फिक्र ना करें जनाब, इब्राहिम पाशा के बारे में ऐसा राज हाथ लगा है कि मेरे कदमों में आ जाएगा और जल्द ही मेरे इशारों पर नाचेगा। माशाल्लाह शहजादी, दोनों ही बहुत प्यारे हैं, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। उठाओ अपनी गोद में। चलो डरो नहीं। पाशा बहुत मुबारक हो। सलामत रहो निगार काल्फा। और सुनाओ निगार, शादी के बाद कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी शहजादी। अब तुम्हारी बारी है, इंशाल्लाह तुम भी जल्दी अपने बच्चों को गोद में खिलाओगी। आमीन। शहजादी इजाजत दीजिए। पाशा इब्राहिम, माहिदौरा किस बात पे नाराज हो रही थी? इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी जल्द। इंशाल्लाह। मेरे आका, माहिर दौरा सुल्तान तशरीफ लाई हैं, आपसे मुलाकात चाहती हैं। मलिका, आका ने बाद में आने का हुक्म दिया है आपको। सामने से। हरगिज नहीं, सख्ती से मना किया गया है। मैं माहे दौरा सुल्तान हूँ, हटो सामने से, हुक्म देती हूँ तुम्हें। माफी चाहता हूँ मलिका, अंदर नहीं जा सकती हूँ। तुम कौन होते हो? हटो सामने से वरना जान ले लूंगी तुम्हारी। हटो। मेरे आका, आका मुझे बात करनी है आपसे। आका मलिका, क्या हो रहा है यहाँ? कहो इनसे कि हट जाए मेरे सामने से। आका का कतई हुक्म है, इजाजत नहीं है मुकर्रबे खास। मलिका आप कमरे में तशरीफ ले जाए, आपको खबर देता हूँ मैं। कहीं भी नहीं जाऊंगी मैं, यही इंतजार करूंगी। मलिका खुदारा चले। हटो, छूना मत मुझे, मैं यही इंतजार करूंगी। मलिका, आका आपको बुला रहे हैं। Thank you.
ये कैसा हंगामा है? तुम ये सब कैसे कर सकती हो? ये कैसी गुस्ताखी है? मेरी बात सुन लीजिए, बस यही चाहती हूँ, कम अज कम मेरी फरियाद सुन लीजिए आप। तुमसे बाद में आने का कहा था मैंने, आखिर ये कैसी उजरत है? तुम्हारे इस गुस्से का और गुस्ताखी का क्या सबब है? मेरे आका, आपके गुलाम होने पर और आपकी कनीज होने पर हमेशा फख्र रहा है मुझे। आपसे कभी भी गुस्ताखी नहीं की मैंने, लेकिन अब इस हरम में अपनी तजलील बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। जैसे हुरम खातून को आजाद किया है आपने, मुझे भी आजाद कर दें। इजाजत दीजिए इसके बाद की जिंदगी एक आजाद औरत के तौर पर गुजार सकूं। वालिदा जल्दी करें। क्या हो गया अब? माहिद और सुल्तान कमरे खास में जाना चाहती थी, आका ने इजाजत नहीं दी तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। कहाँ है अभी वो? आका ने कबूल कर ही लिया, आखिर अभी वहीं है वो। हाय मेरे अल्लाह, ये क्या कर दिया उसने? जैसे ही निकले मुझे खबर दो। जो हुक्म वालिदा। कमरे में जाओ माहे द्वारा। मेरे आका मुझे आजादी दीजिए, आपसे सिर्फ यही चाहती हूं मैं, मुझ पे एहसान कर दें आका। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ऐसी बात करने की कि मुझे हुक्म दो? तुम में इतनी हिम्मत कहां से आई? गुस्ताखी माफ, लेकिन आपसे ताल्लुक के खातिर की वजह से ये कह रही हूं, और एक शहजादी की मां होने की वजह से। मुलाकात खत्म हुई, आजाद नहीं करूंगा तुम्हें। अगर आप आजाद नहीं कर रहे मुझे तो भेज दीजिए, मजीद नहीं रह सकती इस महल में, हमें इजाजत दीजिए। अब तो रस्म भी हो गई, अब क्या काम? शहजादे को लेकर चली जाऊंगी। तुम मुझे बता रही हो कि क्या करना है मुझे, या फिर धमकी दे रही हो? मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा आपने। ठीक है, तुम्हें फौरन भेज देता हूं, लेकिन मुस्तफा को साथ नहीं ले जा सकोगी तुम, क्योंकि उसकी जगह यहां है मेरे पास। क्यों आका? जा सकती हो आका, मुस्तफा मेरे पास नहीं रहेगा। जाओ, तुम्हें देखना भी नहीं चाहता आका। ले जाओ उसे। मैंने क्या मशवरा दिया था? मेरी बात क्यों नहीं मानी? माफ कर दे, मुझे खुद को रोक नहीं सकी मैं। अब क्या करूंगी वालिदा, बताइए आप। मुस्तफा से अलग नहीं रह सकती मैं, खुदा रहा मदद करे मेरी। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अब मैं कुछ नहीं कर सकती, ना ही कोई बात कर सकती हूं उससे। कोई फायदा भी नहीं उससे बात करने का, नहीं मानेगा। अब मेरी बात की अहमियत नहीं रही। बहुत डर लग रहा है,
क्या अशर होगा? इस महल में सबको छोड़ के जाना होगा मुझे। इस मौजू पर तुमसे मजीद बात नहीं करना चाहता इब्राहिम पाशा। माहिदारा को उसकी गलती की सजा जरूर मिलनी चाहिए। बिल्कुल, उन्हें सजा मिलनी चाहिए आका, लेकिन उनकी गुस्ताखी का एक सबब है। क्या है उसका सबब? इश्क। आप जानते हैं इंसान बेबस हो जाता है। मलिका की एक ही ख्वाहिश है कि आपसे दूर ना हो, आपकी शफकत आपकी तवज्जो से महरूम ना रहे। और अगर ये जुर्म है तो मलिका इसकी सजा बरसों से भुगत रही है आका, वो और कब तक सजा भुगतेंगी इसकी? तुम हमेशा की तरह फिर उसकी हिमायत कर रहे हो। मैं तो सिर्फ शहजादे की खातिर कह रहा हूं मेरे आका। मेरी असल फिक्रमंदी उनका मुस्तकबिल है। अगर उनकी वालिदा अकेली चली गई तो ये उनके दिल में ऐसा गहरा जख्म कर देगा कि फिर आप कुछ भी कर लें, उस जख्म को भरना बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं सुना, ऐसा क्या हुआ? माहिदौरा सुल्तान कमरे खास में जाना चाहती थी मगर आका ने इजाजत नहीं दी। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया, हमने भी उनका शोर सुना। आका को उन पे बहुत गुस्सा आया, महल से बाहर कर दिया। आज या कल उन्हें रवाना कर दिया जाएगा। बेचारे। मेरे ख्याल से तो अच्छा ही हुआ, आपके साथ बहुत ज्यादती करती थी। ऐसी बातें ना करें मलिका के बारे में। जो भी हुआ वो उनका और मेरा मसला है, आप लोगों का इससे कोई ताल्लुक नहीं। माफी चाहती हूँ मलिका। आई बेगे। मलिका आओ बैठो यहाँ। क्या फिर कोई हंगामा हुआ है? जी हाँ, काफी दिलचस्प है ये हरम, हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है। मुझे अफसोस हुआ सुनकर। क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ रहती तो बहुत कुछ झेलना पड़ता मुझसे। जा रहे हैं, जान बच गई। अम्मी क्या हुआ, क्यों रो रही हैं आप? मत रोए, दुखी नहीं देखना चाहता अब आपको मैं। मेरे बेटे, मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं इस दुनिया में। क्या हुआ है, क्यों रो रही हैं ऐसे आप? मैं जानना चाहता हूँ। कुछ अरसे अदरना महल में रहूंगी। क्यों? आका ने यही मुनासिब समझा। मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। मुमकिन नहीं है मुस्तफा बेटा, यही रहना है तुम्हें, ठीक? मलिका माफी चाहता हूं, इब्राहिम पाशा ने भेजा है मुझे आपके पास। क्यों भेजा है? मलिका आप महल से नहीं जाएं, आका को रहम आ गया है। अब आप हम सबके साथ यहीं रहेंगी इस महल में हमेशा। अब रहम से क्या होगा उनके? मुझे सिर्फ एक ही दुख था मुस्तफा से जुदा होने का, वरना तो ये हरम जहन्नम से भी बदतर है मेरे लिए। मुस्तफा,
कहाँ जा रहे हैं ये? सुमलागा, जाओ पकड़ो इसे। शहजादे, शहजादे रुके ठहरे। हुक्म देता हूँ, मेरे सामने से हट जाओ। अब क्या होगा? खजीना कैसी है? उसका ख्याल रख रहे हो ना? परेशान ना हो आका, मैं फुर्सत मिलते ही उनके पास जाता हूँ। जानते हो वो बहुत हसास है, कोई कोताही ना करना। बिल्कुल मेरे आका, शहजादे मुस्तफा तशरीफ लाए हैं। भेज दो। आ जाओ मेरे बेटे, यहां आओ मेरे पास। इब्राहिम पाशा, मुझे बाबा के साथ अकेला छोड़ दे। मेरे अल्लाह, मैं मर ही गया। गुलागा कहाँ है? हर काम की जिम्मेदारी बस मेरी है। संबल, क्या हुआ है? मलिका, माहिदौरा ने अपने यहां रुकने के लिए फिर कोई चाल चली है क्या? हाँ नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने, क्योंकि आका ने उन्हें माफ कर दिया है। महल बदर नहीं होंगी अब वो। आखिर कैसे? मलिका, मेरा किसी से जिक्र मत कीजिएगा, लेकिन इब्राहिम पाशा की दरखास्त पे फैसला वापस लिया गया है। तुम्हारी बात सुन रहा हूं मुस्तफा, क्या मसला है? अम्मी, क्यों हर वक्त रोती रहती है बाबा? क्यों हर पल उन्हें दुख दिए जाते हैं? मैं तुम्हें बता चुका हूं मुस्तफा, औरतें ऐसी ही होती हैं, जरूरत से ज्यादा हसास होती हैं। इस महल में रोने के लिए सिर्फ मेरी माँ बची है, दूसरी औरतें क्यों नहीं रोती हैं? सिर्फ मेरी माँ ही क्यों दुखी है? उनका जुर्म क्या है बाबा? क्या गुनाह किया है? मुस्तफा फिक्र ना करो, तुम्हारी अम्मी महल में ही रहेंगी। कोई जरूरत नहीं बाबा, यहां रहेंगी तो आंसू बहते रहेंगे। मैं इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा। कोई भी मेरी अम्मी को दुख नहीं देगा, क्योंकि मैंने आपको यही करते देखा है, यही सीखा है। आप वालदा सुल्तान का हमेशा एहतराम करते हैं, उनकी फरमाबरदारी करते हैं, उनकी हमेशा हिफाजत करते हैं। मुझे इजाजत दें, अपनी अम्मी के लिए मैं भी ये सब कर सकूं बाबा। जहन में क्या है तुम्हारे, क्या चाहते हो तुम? अपनी अम्मी के साथ अदन्ना महल जाऊंगा मैं भी। तैयारी कर रहे हैं अम्मी, हम जा रहे हैं। कैसे, कहाँ? बाबा से बात कर ली है, हमें साथ जाने की इजाजत दे दी है। अदन्ना महल में जाएंगे। रोने और दुखी होने की आपको इजाजत नहीं दूंगा मैं आज के बाद। जिसने भी आपको दुख दिया तो मैं उसकी मुखालफत करूंगा। मेरा शेर बेटा, लखते जिगर बड़ा हो गया पारगली, मैं तो अभी तक उसे छोटा ही समझ रहा था। मुस्तफा समझदार शहजादे हैं, और आपकी तरह बाजमीर भी है वो।
आपका फैसला क्या है आका? उनको जाने की इजाजत देंगे आप? और कोई रास्ता नहीं, शहजादी की यही ख्वाहिश है। हम भी शिकार पे चलते हैं, काफी अरसे से दरना नहीं गए। आप क्यों जा रहे हैं भाई? मुझे जाना होगा, उदास ना हो मैं, मत वापस आऊंगा। वापस कब आएंगे आप? मालूम नहीं मेहरमा। मम्मी मैं भी भाई के साथ जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, तुम यहीं पर रहोगे। मुस्तफा इब्राहिम पाशा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम सबकी बहुत याद आएगी। मेहमत, मेहरमा, अब आप अंदर जाइए। क्या तुम मुझे यहां अलविदा कहने के लिए आई हो? अलविदा नहीं कहूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी तुम कुछ नहीं कर सकती, ये गुरूर तुम्हें एक दिन जलाकर राख कर देगा। तुमने बहुत जल्द हार मान ली, मेरा ख्याल था और बर्दाश्त करना पड़ेगा तुम्हें। मुखालते में ना रहो, ताकतवर बन के वापस आऊंगी हुरम, क्योंकि तख्त का सबसे मजबूत उम्मीदवार मेरे पास है, जानती हो ना? खुश गोश के साथ खुश इंजीर, खुश खुबानी और मिठाई। वो अगर रुको, अभी क्या फायदा, बाजार से ले लेंगे ना। मत उलझो मुझसे, बहुत गमगीन हूँ, बहुत। देख रहा हूँ आगा, जानता भी हूँ, अंधा नहीं हूँ। जरा सुनो मेरी बात, आज शाम को बाजार हुसैन चलते हैं, अगर चाहो तो माहौल बदल जाएगा थोड़ा। देखेंगे, नई खातून रकासा भी आई हुई है। कहा ना, देखेंगे। क्या हुआ? शकर आगा, इस बोरी के चनों में भी कीड़े हैं। देखो इस जाफर अफंदी की हरकतें, सब चनों में कीड़े पड़े, कल उसके सर पर मारूंगा ये बोरियां। क्या ऐसे दुकानदारी होती है? ओ, अदरना के मुसाफिर आए हैं। गुलाखा, अगर तुम उदास हो तो मैं बात करती हूँ मलिका से, तुम भी चलो हमारे साथ, मालूम है तुम्हारी असल जगह वही है। अरे भाई चुप हो जाओ, मलिका को ऐसा मशवरा मत देना, उन लोगों में कोई भी अकलमंद नहीं है। शकर आगा, बताओ खाना तैयार है? तैयार है, तैयार है, सवारी में भी रखवा दिया। बच्चे क्यों ले आई दोस्तर? अभी बहुत छोटे हैं, महल में ही रहने देती। इन दोनों को अपनी नजरों से दूर नहीं करती वालिदा, किसी पर भी भरोसा नहीं है, आपको तो मालूम ही है। आओ महिदौरा। वालिदा, शहजादी, रुखसत का वक्त आ गया। अल्लाह रास्ता आसान करे, बहुत ख्याल रखना मुस्तफा का। अब मेरे साथ कोई बच्चा नहीं है, हकीकत में एक मर्द है वालिदा। मैं भी तो इसी वजह से कह रही हूं ना, रखना मुस्तफा का। शहजादी, हमारा इंतजार करना माहिदौरा, बाहर में आएंगे हम, तुम्हें वापस लाएंगे महल में। आओ चले,
इसे अपनी तोहीन मत समझना। तुमसे वादा करती हूँ, हुरम अपने किए की सजा जरूर भुगतेगी, और वो भी बहुत सख्त सजा। गुस्ताखी माफ हो वालिदा, लेकिन ऐसी बातें बहुत सुन चुकी हूँ। उसका बाल बीका ना हुआ, सजा हमेशा मुझे मिली है। सब कुछ खत्म नहीं हुआ माहिदौरा, बल्कि जंग तो शुरू होने वाली है। चलो अभी तुम जाओ, मुकद्दर साथ हो, वक्त आने पर तुम्हें बुलवा लूंगी। पाता वफा कीजिएगा। वफा करूंगी। तमाम उस्ताद तुम्हारे साथ जाएंगे, तालीम में किसी किस्म की कोताही ना करना। बाबा गुस्सा तो नहीं हुए मुझ पर? बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें फखर है तुम पर। उनसे मोहब्बत करता हूँ, जानते हैं ना? जानते हैं मुस्तफा। मलिका, आपका सफर आसान हो। सलामत रहे पाशा। अम्मी तुम्हारी अमानत में है। इकदामात कर लिए हैं क्या? तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। आका, दीवाने खास तैयार है, तमाम वुज़रा मुंतजर हैं। आला, इब्राहिम पाशा पे होने वाला हमला एक मुअम्मा है। सुराग नहीं मिल सका। किसी किस्म का सुराग जरूर मिलेगा पाशा। मुजरिम अब हरगिज आजाद नहीं रह पाएंगे। मुकर्रब खास, आई बेगे खातून पाइबाग में मौजूद हैं, आपका इंतजार कर रही हैं। मुकर्रब खास ने ये घोड़ा मुंतखब किया है। नहीं, मैं उस पर सवारी करूंगी। वो घोड़ा बाली साहब का है, ये आपका है। हाँ, आई बीके खातून, उन्हें तुमने मेरा घोड़ा क्यों दिया? जनाब बताया था, वो मानी नहीं, मैं क्या करता। इसे खोलो। किरम और काजम के तख्त का झगड़ा शदीद हो गया और बहुत खून बहा, ये बता रहे हैं कासिद। सूरत हाल पर काबू पाना इस बार जरूरी हो चुका, खास तौर पर आईबीके के बाबा काजम खान और साहब गिराई खान की वजह से बाहर होते जा रहे हैं हालात। साहिब गिराई खान को सही सलामत यहाँ लाने का बंदोबस्त किया जाए। सूरत हाल का करीब से जायजा लो, मालूमात देते रहना। जो हुक्म मेरे आका। मेरे आका, खिजर खैरुद्दीन की जानिब से मक्तूब आया है। बार बार उसके इस खत का कब से मुंतजर हूं।
बेगे खातून। कहाँ हैं आप? आई बेगे खातून। माँ कोचो, क्या तुम मेरी हिफाजत करोगे? आई बेगे। तुम क्या मेरी इसमें कोई शक नहीं। उठो मेरे ऊपर से। मैंने कहा उठो मेरे ऊपर से। क्या समझते हो अपने आप को? या सबूर। इब्राहिम पाशा पढ़ो, सुने तो जरा बारबरूस खिजर रईस ने क्या लिखा है इसमें। बादशाह जहां सुल्तान सुलेमान खान के दरबारे आलिया से मेरी गुजारिश यह है कि रईस गुलाम ने बहरे अस्वद से जजायर की तरफ जाने वाले समंदरी रास्ते पर वाके पहाड़ों पर एक दिन में 1000 गोले बरसाने के बाद 700 हिस्पानवी हिरासत में ले लिए हैं। इसके अलावा 30,000 ईसाइयों के महाज पर हमला करके उनके जहाजों को जजायर की तरफ धकेल दिया और उनकी बंदरगाह पर काबिज हो गए। उनकी मदद के लिए आने वाला हिस्पानवी बेड़ा समझा कि वो गलत महाज पर आ गए। अपनी हड़बड़ाहट के सबब वो बासानी गिरफ्त में आ गए। इसी दौरान बदबख्त शहंशाह शाकलेन की जिन्हों जाने की खबर मिली। उसका रास्ता तब्दील करवाने के लिए मैंने हकीकी सूरत हाल की अक्कासी के लिए तस्वीरें बनवाकर वेनिस और स्पेन के साहिलों पर लगवा दी। मुख्तसर ये कि अब जजायर पर हमारे आका का इक्तदार मुस्तहकम हो गया है, जिसे जानकर आपको यकीनन खुशी महसूस होगी। आपका ये गुलाम आपके नए हुक्म का मुंतजर है। आपका गुलाम खिजर खैरुद्दीन, रईस अमीरुल बहर। आला। तुर्कों के लश्कर बर्री रास्ते से हमारी सरहदों पर हमलावर होंगे मेरे ख्याल में। इसके बाद वो बहरी रास्ते को इस्तेमाल करेंगे। सेंट जीन की फौज से तमाम ईसाई दुनिया की बका की खातिर एक गुजारिश होगी। माल्टा और तराबलस का निजाम आप लोगों को सौंपता हूं। इसके बदले मैं चाहता हूं कि बहरे रूम से तुर्कों की हाकमियत को खत्म कर दें। शहंशाह मोहतरम, आपके इस फैसले से हमें खुशी हुई, लेकिन बारबरोस के बहरी बेड़ों को नजरअंदाज करना मुनासिब नहीं होगा। वो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। आंद्रे डोरिया बारबरोस के खिलाफ कार्रवाई करेगा, इसका मुझे यकीन है। तुर्कों के बहरी बेड़े को नाबूद कर देगा वो। आप इसकी फिक्र बिल्कुल ना करें। शहंशाह अजीम, बारबरोस इससे पहले भी कई बार हम पे गालिब आ चुके हैं। आंद्रे डोरिया के हमले से हकीकत बदल जाएगी, मेरे ख्याल में यह नामुमकिन होगा। यूरोप के कल्ब तक रसाई हासिल कर ली है हमने। तकरीबन पूरा यूरोप हमारे जेरे नगी आ चुका है। मेरे आका कप्तान दरिया कमान जी मुस्तफा पाशा से बहरिया की सूरत हाल पर बातचीत हुई। पीरी मेहमद पाशा और पीरी रईस की मेहनत शाका से मरहूम सुल्तान सलीम खान के दौर से बहुत ज्यादा ताकतवर बहरिया के मालिक है हम। 500 बहरी जहाज तैयार हालत में मुंतजर है हमारे, लेकिन रुदोश को फतह करने के बाद तूना नहर के रास्ते से लड़ी जाने वाली ये सबसे बड़ी जंग होगी हमारी। हाँ, हमारा खुले समंदर में जाने का वक्त करीब आ गया है। बोहरा रोम की हिफाजत करते हुए हमें मजीद पेश कदमी करनी होगी, क्योंकि ये हमारी बर्री सिपा के लिए मजीद तकबियत का बायस होगी। हमें जमीन और समंदर से एक साथ जंग करते हुए देखकर शार्कलेन और ज्यादा खौफजदा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदी शकर आगा। बिल्कुल खुशी से नहीं आए हो जाफर अफंदी, बिल्कुल खुशी नहीं है। क्या हुआ? जरा खोलो इसे। सारे चने कीड़े वाले हैं,
जब तुम महल में ये माल देते हो तो कौन जाने लोगों को कैसे माल बेचते होगे। ये कैसे हो गया आगा, कोई गलतफहमी हो गई है यकीनन। कैसे गलतफहमी, और ये एक नहीं दो नहीं कितनी बोरियां जाया हो गई हैं तुम्हें मालूम है क्या? अगर शिकायत कर दूं तो तुम्हारा हशर क्या होगा जानते हो? अरे रहने देना शक्कर आगा, हम ये मसला आपस में ही हल कर लेते हैं, क्या कहते हैं? ओ, रिश्वत दे रहे हो मुझे? हरगिज हरगिज नहीं, नजराना है शक्कर आगा, नजराना। हर्ष, ऊपर से मुझे रिश्वत दे रहे हो तुम? क्या हो रहा है यहाँ पर? महल में खराब माल भेजता है और ढिटाई से रिश्वत देता है मुझे, बदनाम है जमाना। ऐसा है तो जाओ शिकायत करो दरोगा के पास। अमान नसुआ फंदी, आपके पांव पड़ता हूँ। जाफर साहब, इस मुल्क में हक मिलता है, कानून है, हकूक है, जो भी उसूल है हम सबको मानने होंगे। कौन है? निगार काल्फा मैं हूँ। अल्लाह खैर करे, ये आप तक पहुंचाने का हुक्म था। ठीक है, शुक्रिया। ये तुम्हारे नए घर के कागजात हैं, आज से हम वहीं मिला करेंगे। इसमें घर का पता लिखा हुआ है, आज इशा से पहले वहां आ जाना। बादशाह मोहतरम सुनिएगा जरा, खैरियत है बहराम बादशाह? देख रहा हूं तुमने खुद को यहां का मकीन बना लिया है। माफी चाहता हूं पाशा, लेकिन कुछ परेशानी थी, आका से मुलाकात हुई, मेरे नए मनसब के मुताबिक कोई बात किया आपने। तुम्हें आका ने सब्र और इंतजार करने का कहा था। सब्र खत्म हो गया है पाशा, बरसों से इंतजार कर रहा हूं, किस वक्त मुझे मनसब दिया जाएगा? अपने जुमलों पर गौर करो बहराम बादशाह, तुम्हारा हुक्म मानूंगा मैं। अब मैं जब चाहूंगा मनसब पता करूंगा तुम्हें। अब जाना चाहिए तुम्हें, आइंदा बगैर बुलाए मत आना। कुछ ही दिन की बात है पाशा, फिर ये बातें याद दिलाऊंगा तुम्हें। बहुत जरूरी है तो फिर आ जाओ। पाशा इसे क्यों जाने दिया? ये गद्दार आका से कैसे मुलाकात कर सकता है? क्या हम रोकेंगे नहीं इसे? मेरे आका, फौरन बताओ बहराम पाशा, इतना अहम मसला क्या है? मेरे आका, सबसे पहले तो शर्फ मुलाकात बख्शने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आपको तो मालूम है मेरी सारी जिंदगी आपके इंसाफ का बोलबाला करने में गुजरी है, और आपके लिए तो मेरी जान भी कुर्बान है। मसला बयान करो। जनाब इब्राहिम पाशा, उन्होंने मेरे आका, इब्राहिम पाशा, आका मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अगर आप इजाजत दे तो इस गुफ्तगू में शरीक होना चाहता हूं मैं। Thank you.
क्या बात करेंगी आप मुझसे? वालिदा, सुल्तान ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, आज के बाद वो मेरे साथ ज्यादती नहीं करेंगी, ये फरमाया है। अच्छा है। क्या अच्छा है, ऐसा कैसे हो सकता है? जाहिर है उनकी कोई चाल है। दाया, ये सब क्या हो रहा है तुम्हें तो मालूम होगा। मुझे कुछ मालूम नहीं मल्लिका, लेकिन हर बात को मनफी ना ले। वालदा सुल्तान आपकी अहमियत को समझती है, आपसे मुनासिब ताल्लुकात बनाने की ख्वाहिश बंद है शायद। नामुमकिन, ये सब ड्रामा है, मुझे मारने के लिए एक खेल खेल रही है, वो धोखा दे रही है। जो कहा सब समझ गए? आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें वालदा सुल्तान, हर लफ्ज महफूज कर लिया है दिमाग में अपने। फातिमा खातून, तुम? आपके हुक्म की तामील करूंगी, फख्र महसूस करूंगी इसमें। एहतियात करें, हमारी गुफ्तगु किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए, ये एक राज है, वरना सबसे पहले तुम दोनों की कन उड़ाई जाएगी। मैं सुन रहा हूं बहराम पाशा। मेरे आका इब्राहिम पाशा मोहतरम, अल्लाह ताला इन्हें लंबी उम्र अता फरमाए, मुझे कैसा मनसब बख्शा है कि मेरा सर फखर से बुलंद हो गया है। क्या मनसब बख्शा है तुम्हें? मुकर्रब खास, मुझे मुबारकबाद नहीं देंगे? आखिर किस बात की मुबारकबाद? दोबारा अनातोलिया का गवर्नर इन क्या गया है, वो कहते हैं ना कि मजलूमों की आह से बचो वरना बर्बाद कर देगी। करीब आओ। और करीब आओ। पहले तो तुम इजाजत तलब किए बगैर अंदर आ गए। और बहराम पाशा को दोबारा तायनात कर दिया। मुझे बताओ पसे पर्दा क्या कुछ हो रहा है? आकार किस मेरी क्या मजाल? तुम तो बहराम पाशा को पसंद नहीं करते थे, उस पर जर्रा बराबर भी एतमाद नहीं था तुमको, तुम पर होने वाले हमले का शक भी था उस पर। अब मुझे शक नहीं रहा आका बिल्कुल भी, क्योंकि वह हमला बहराम पाशा ने ही करवाया था। इस मसले की जड़ जरा गहरी है आका, बहराम खुद कभी भी यह काम नहीं कर सकता। असल दुश्मन कौन है यह जानने के लिए उसकी ख्वाहिश पूरी की है, उसका कुछ अरसा ताकुब करके वो किसकी खिदमत में है जानने की नियत रखता हूं। तुम्हें यकीन है पसे पर्दा हुई है? आका आपको तो मालूम है मेरी उस पर हमेशा से नजर थी, एक जगह पर उसने खुद भी एतराफ किया है मेरी मुखबरी बिल्कुल दुरुस्त है मेरे आका। इसके पीछे कोई और है तो खतरनाक बात है, फौरन उसे तलाश करके खत्म कर दो। मैं भी यही कुछ चाहता हूं मेरे आका। हमारी हुजरत का वक्त आ गया है, वालदा सुल्तान हमें नाउम्मीद नहीं करेंगी इंशाल्लाह। आमीन। हमारी कितनी हुजरत बड़ी अभी है। कुछ बताया नहीं। फिक्र की बात नहीं, वालदा सुल्तान को हमारा एहसास है बेहतर होगा।
लड़कियों कितना इजाफा किया वालिदा ने। खामोश भी रहो, बता तो रहो मैं। या सबूर या रहीम, वालिदा सुल्तान ने तुम सबका ख्याल रखते हुए सालाना वजीफे में माहाना 50 अशरफियों का इजाफा किया है तुम सबके लिए। कल तक तुम सबकी तनख्वाह आ जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे वालिदा को। तुम खुश ना हो फिदान खातून, तुम्हारा नाम नहीं है। वो क्यों? और सिर्फ तुम ही नहीं, हुलिया खातून, निसा खातून, दिलरुबा खातून और निरेमान खातून भी शामिल हैं। ये कैसे हो सकता है? लो खुद देख लो। हमारा जुर्म क्या है? हमारी उजरत क्यों नहीं? हुरम सुल्तान का पीछा जब तक नहीं छोड़ोगी तो यही होगा। अहा, क्या मतलब? सच नहीं क्या? हुरम सुल्तान की खुशी के लिए हर तरह की चालें चलती रहीं तुम लोग। अगर उस वक्त सोचा होता तो आज ये ना होता। क्या कह रही हो तुम? हम पर इल्जाम है, हमारा कोई कसूर नहीं है। इल्जाम है हम पर, ऐसा नहीं होने देंगे हम। अरे बंद करो ये शोर, बस बहुत हो गया। ये बिल्कुल ठीक नहीं है गुलाखा, मुझे कोई अच्छे आसार नहीं लग रहे। हम सबको होशियार रहने की जरूरत होगी। आप परेशान ना हो मलिका, आपकी और आपके बच्चों की हिफाजत के लिए हम सब कुछ करेंगे। ठीक है। मलिका, क्या हुआ, कैसे आई? मालूम है आपको, कल उजरत का दिन है, साल पूरा हो रहा है, सबकी उजरत में इजाफा हुआ, हमारे लिए कुछ नहीं। क्या मतलब है इसका? आपकी खिदमत और वफादारी की सजा दे रहे हैं हमें, हम सबका नाम लिखा हुआ है। देखो जरा इसे। हाय मेरे अल्लाह, मेरा नाम भी लिखा हुआ है। मलिका, मलिका हमारी मदद करें, हमारा हक दिलाएं हमें। फिक्र ना करें, मैं असल वजह मालूम करूंगी, हक तलफी नहीं होने दूंगी किसी की भी। अल्लाह आपको खुश रखे मलिका, मरते दम तक आपके लिए दुआ गो रही हूँ। आमीन। अब तुम सब जा सकते हो। मोहतरम पाशा, बहराम पाशा के बारे में जो सुना, क्या वो सही है? सही है, बिल्कुल सही है। आपने ऐसा क्यों किया? वो एक गद्दार है, उसकी गर्दन काटने के बजाय आपने मनसब दे दिया क्यों? बाली साहब, बहराम पाशा की कोई हैसियत नहीं, एक कठपुतली है। उसकी डोर किसी के हाथ में, ये जानने के लिए ऐसा किया है मैंने। जीत समझता है तो समझने दो, लेकिन एक दिन जरूर हाथ आएगा मेरे। मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकता। आपके लिए एक अच्छी खबर है मेरे पास। आला, सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक हो गया है। अनातोलिया का गवर्नर हूं मैं और आका ने भी मंजूर कर लिया है। अब मेरे लिए दरबार के दरवाजे खुल गए हैं। आला, लेकिन होशियार रहो, तकबीर नहीं छोड़ना, इब्राहिम तुम्हारा पीछा जरूर करेगा। आप इसकी फिक्र ना करें बिल्कुल भी, कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरा, उसकी मौत का परवाना मेरे हाथ में है। देखा तुमने लड़कियों, अब अक्ल से काम लेना, सही रास्ता ना छोड़ना। हुरम सुल्तान खफा नहीं होंगी क्या? खफा क्यों होंगी? वालदा सुल्तान ने जब ये मुनासिब समझा है तो किसी को क्या। खामोश हो जाए, वो आ गई। क्या हुआ, शिकायत की है हमारी तुमने? तुम अपना काम करो ना।
अगर फरमा बर्दारी करोगी तो तुम लोगों को उजरत भी ज्यादा मिलेगी, बता रही हूँ। हमें ना समझाओ, हुरम सुल्तान ने मामला अपने हाथ में ले लिया है, वालदा से बात करके मसला हल करेंगी, ज्यादा उजरत मिलेगी। हाँ बिल्कुल, जरूर करेंगी, बिल्कुल करेंगी। हर किसी के साथ अच्छी है हमारी मलिका, खास तौर पर वो अपने खिदमतगारों को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी बल्कि हिफाजत करेंगी। वालिदा, खुश आमदीद हुरम, आओ। आप ठीक हैं वालिदा? ठीक हूँ, शुक्र है। और तुम? कुछ देर पहले मुझे एक खबर मिली, कुछ उलझन है, सोचा कि आपसे मिलकर असल वजह मालूम कर ली जाए। क्या है वो? कुछ कनीजें मेरे पास आई थी शिकायत लेकर, इस बार उनके सालाना वजीफे में इजाफा नहीं हुआ, मायूस है वो, उनको हक नहीं मिला, मुझसे मदद मांग रही थी। उनकी ये मजाल कैसे हुई? बेअदब। उन्हें अलग क्यों किया गया वालिदा, मैं जानना चाहती हूँ। कोई खास वजह नहीं है, खिदमत में कोताही करने वाली कनीजों, कालफाओं और आगाओं के लिए है ये सजा। उनका कसूर क्या है आखिर? यही कि मेरे करीब है। इसकी वजह तुम नहीं हो, और वैसे भी यहाँ कोई किसी के करीब नहीं होता है, हर एक की अपनी जिम्मेदारी है। हर कोई जिम्मेदारी निभा रहा है, ये उनके साथ इंसाफ नहीं है। अगर उनको इंसाफ नहीं मिला तो ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा, इस तरह हरम का निजाम बर्बाद होगा। हुरम, तुम्हारे साथ दोस्ती का मतलब इस हरम का निजाम तुम्हारे साथ संभालना हरगिज नहीं है। फैसला आपका होगा वालिदा, मैं तो सिर्फ आपके पास इंसाफ मांगने वाली कनीसों की फरियाद लेकर आई हूँ। क्या बात है? मुझे इब्राहिम पाशा ने भेजा है। हाँ तो क्या कहते हैं मकबूल इब्राहिम पाशा? एक अमानत है जनाब, वो वापस चाहते हैं। कहो इब्राहिम पाशा से अभी अमानत मेरे पास रहेगी, वो मेरी जान की जमानत है, परेशान ना हो, किसी के हवाले नहीं करूंगा इसे, बहुत हिफाजत से रखूंगा। अब जाओ, यही जाके कहना उन्हें। शहजादी, क्यों अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके? क्या इतने ताकतवर हैं वो लोग? फिर कैसे मिलेगा हमें सुकून? आप परेशान ना हो, मुझे कोई गजन नहीं पहुंचा सकता। खौफ सता हूं मैं, कुछ जिम्मेदारी औरों को नहीं सौंप सकते। तुम्हें और अपने बच्चों को इस सल्तनत की खातिर कुर्बान नहीं कर सकती मैं इब्राहिम। हमें हरगिज कोई कुर्बान नहीं कर सकता शहजादी, फिक्रमंद होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, ठहरना मुमकिन नहीं है। मैं अपने शाही रास्ते पर गामजन रहूंगा, अगर कोई भी इस मंजिल की राह में रुकावट बनता है तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। आप परेशान मत हो, कोई हमें बेसुकून नहीं कर सकता।
आओ। मोहतरम इब्राहिम पाशा, मैं सुन रहा हूँ। इब्राहिम पाशा भी एक जमाने में मुकर्रबे खास थे, लेकिन अब इतनी बड़ी सल्तनत के सबसे अहम आदमी हैं। मतलब बाली साहब भी इसी तरह मंजिल तय करेंगे? शायद, अगर उनके नसीब ने साथ दिया तो। मेरे ख्याल से उनसे बुरा रवैया ना रखें तो बेहतर है आपके लिए। मुझे कोई परवाह नहीं, वैसे भी उसका रवैया अच्छा नहीं है। क्यों, क्या हो गया? मुझे जहाज तक जाना था, कुछ खास सामान लेना था मुझे। रास्ते में उन्हें एक खातून मिल गई, कुछ बात की दोनों ने, फिर वो मुझे जबरदस्ती महल ले आए। कौन थी वो खातून? एलेने का नाम था उसका। ओ, एलेने का खातून थी। तुम जानते हो क्या उसको? उसे कौन नहीं जानता मलिका, वो तो एक पुरकशिश रोमन हसीना है मलिका, बाजार की औरतों में सबसे खूबसूरत खातून है। बाली साहब पर ऐसा जादू किया है कि मत पूछें, अक्सर जाते रहते हैं उसके पास। मतलब कि वो आर्मीन को ऐसे बुलाना चाहते हैं। आर्मीन कौन है? खैर, मुझे क्या लेना इस बात से? क्या काम हो गया? मिल गई वो अमानत? नहीं दी पाशा, क्योंकि वो उसकी जान की जमानत है, ये कहा उसने। कहां है इस वक्त वो? बाजार में है पाशा, शायद अपनी जीत का जश्न मना रहा है। वाकई में बादब! शहजादी इब्राहिम, यहां क्यों आ गई आप? परेशान हो गई थी मैं, कोई बुरी खबर है क्या? नहीं नहीं, लेकिन मुझे काम से जाना है। इस वक्त कहां जा रहे हो तुम? कार्य सल्तनत है शहजादी, जल्दी आ जाऊंगा मैं। ایره شوینی ایمه یا ایو برون بوده به پرز به توب کین چی بکین؟ فاطمه خاتون، یاری با اگر دکید تو خدی که هرشه لمن دکی؟ گوتن لی بو کچکن؟ اما نداماون، وازیان لی بینا چون که متکانیان پین دراو بیانو دگرن. بم نیزی کانا لکوشک داریانه کن. والا داریانه کن. هر وابیر بکنوا خورم سلطان خواین قصان لگل کردین. سبه ایمش بقدر ایو موچه وردگرین. خیالی خوشمکه دل نیم یک لیرشتن ندنه. استالده چی یازو لدم؟ اگه تن لیه چن بی ادبه؟ او تو با که دلی بی ادب؟ با تو دلیم کچه دم هرش. با من دلی دم هرش است خود دبینی. آو آی بیگه خاتون، مقربه خاص. آقا سے ملنے آئی ہیں تو یہ ملاقات کا وقت نہیں ہے؟ نہیں، میں آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوں اس وقت. اچھا، کیا مسئلہ ہے؟ جانتے ہیں آپ، جہاز پر جانا تھا. किस वक्त जाएंगे ये पूछने आई थी। मैं आपको कल तक बताऊंगा। कितना खूबसूरत है, किसका है? आप ये मुझे दें। आर्मीन का तो नहीं है ये? कैसे जानती हैं आप? मतलब उसी का है। मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, और आज के बाद जब भी जरूरत पड़े तो आगा से इत्तला भिजवाइएगा। और हां, किसी खातून का इस वक्त यहां ऐसे आना मुनासिब भी नहीं है।
دەدات ئەمە چ حاڵێکە؟ ئەوە ئێوە چی دەکەن؟ ئەوان دەستیان پێکردایە خاتون ئازاریان داین کێ؟ بوختان دەکات دەڵێن ئێمە کەنیزی خۆڕەم سوڵتانین دەبێ قسە قسە ئێمە بێت درۆمەکە بێدەنگ بن لە حەمام چنە دەرەوە کەس لێرە نەبینم خواردنشتان پێ نادرێت بەڵام دەیە خاتون دەڵێن بڕۆن خێراکەن اجرت والا مسئلہ تو بہت سنگین ہو گیا ہے والدہ حرم میں لڑکیوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے میں کل دیکھوں گی سب کو کب تک روک سکیں گی انہیں والدہ سلطان آپ اس ہنگامے کا نتیجہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے روکنا نہیں ہے چھوڑو لڑنے دو ایک دوسرے سے حرم کو کسی صورت حرم پر قابض نہیں ہونے دیں گے بلکہ چاروں طرف ایسا ہنگامہ مچاؤ کہ وہ سانس بھی نہ لے سکے والدہ سے تمہاری صلح کی خوشی ہوئی مجھے کیونکہ میں اب حرم میں بالکل سکون چاہتا ہوں میں بھی حیران ہوں ہم نے ساتھ کھانا کھایا آج کے بعد میرے ساتھ زیادتی نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے انہوں نے یہی تو چاہتی تھی نا تم میں اتنے دکھ جھیل چکی ہوں کہ اب ان پر یقین نہیں ملکہ دکھ ختم ہو گئے پورے دن جا چکے ماضی کا مستقبل پر سایہ تک نہ پڑنے دو اب تمہیں شکر اور اطمینان سے رہنے کی ضرورت ہے پرانی باتوں کو فراموش کر دو جواب نہیں ملے گا مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے ورنہ انجام برا ہوگا اچھا کیا کر لوگے پاشا میں مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ اے ابن آدم تمہاری اتنی مجال کی اب تم مجھے دھمکی دو گے پاشا سمجھوتا کر لیتے میں آپ کی امانت لوٹا دیتا ہوں اور آپ میری جان بخش دیں ٹھیک ہے نا کہاں ہے وہ کہاں رکھا ہے معاف کر دیں مجھے یہ آپس کا جھگڑا ختم کر دیتے ہیں اسے بھول جاؤں میں تم سلطنت کے وزیر اعظم کو دھمکیاں دو گے اس پر تلوار سوت کر حملہ کرو گے ہاں اور اس کے بعد معافی مانگ لو گے ایسے ہی نا پاشا آپ کے پاؤں پڑتا ہوں میں غداری کرنا بہت ہی بڑا جرم ہوتا ہے بہرام پاشا اور اس کی سزا موت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے
आपका माफी चाहता हूं। क्या बात है? बहराम पाशा के बारे में एक बहुत आम खबर पहुंचानी है। खैर तो है मालकोचु। बहराम पाशा को बाजारे हुसन में कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा उनके 10 महाफिजों को भी मार दिया गया। ये कैसे हो सकता है? कौन मुलविस है? आका अभी तक कोई मालूमात नहीं मिली मुझको, कोई भी कुछ नहीं बता रहा। इब्राहिम पाशा को खबर करो, फौरन यहां बुलाओ उसे। जो आपका हुक्म मेरे आका। इब्राहिम। शहजादी, तुम कब आए? काफी देर हुई, आप आराम फरमा रही थी। बहुत फिक्रमंद थी तुम्हारे लिए। अब मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको शहजादी। मेरी जान पर हमला करने वाले गाफिल को सजा मिल गई है। क्या वाकई? कौन था वो? आपका इतना ही जानना काफी है। ना तो मौत के बारे में सोचे, ना किसी धमकी के बारे में। आप सिर्फ हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचे। कतार बनाओ, कतार में लगो लड़की, चलो। कतार में लड़की। आफरीन। चलो तो, चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। बस कम है ये तो? इस दफा तो ज्यादा का कहा था आपने। कैसे कम हो सकते हैं? 50 अशरफियां ज्यादा होनी चाहिए थी। हाँ मालूम है मुझे, ज्यादा नहीं है। पिछले साल की जो उजरत थी वही मिलेगी तुम लोगों को। अच्छा। ये कैसे हो सकता है? वालदा सुल्तान ने कैसे काट ली हमारी उजरत? उन्होंने ज्यादा देने को कहा था। ओ जान ना निकल जाए, क्या हुआ? कल तो बड़ा चीख रही थी। इसकी कसूरवार वालदा सुल्तान नहीं है लड़कियों, हुरम सुल्तान है। वो कैसे? कैसे क्या मतलब? कल उन्होंने बात की थी वालिदा से, उन्होंने रुकवा दी है यकीनन। अच्छा हुआ, हमें नहीं मिलती तो तुम्हें भी नहीं मिलेगी। सब के साथ इंसाफ हो गया। बहुत गलत है ये। बंद करो ये हंगामा, ज़बानें कैसे चलती है तुम लोगों की? अपनी तनख्वाह लौट जाओ। नहीं आगा, हमें ये तनख्वाह नहीं चाहिए। तो नहीं हो रही है, क्या कर रही है ये लोग? अरे ये लोग एहतजाज कर रही है। मलिका। गुलाखा। माशाल्लाह ठीक हैं आप। ये क्या हो रहा है, ये आवाज़ें कैसी हैं? मत पूछे मलिका, कनीजों ने हंगामा खड़ा कर दिया है। उन्हें क्या तकलीफ है? पता नहीं मलिका, जैसे ही शोर सुना तो भागता हुआ यहाँ आ गया, ये सोच कर कि आपको कुछ हो ना गया हो। चल कर देखते हैं सर। अपने कमरे से ना निकले तो बेहतर है। क्या हो जाएगा? अस्मा देखो, बच्चों को अकेला ना छोड़ना और दरवाजा अच्छी तरह बंद रखना। चलो। हुरम सुल्तान का किया धरा है ये सब। आवाज उठाओ, अपना हक मांगो। हमें ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। खुद तो दौलत में खेल रही है और हमारी उज्जत पर नजर रखती है। बहुत अफसोस की बात है, बहुत। लड़कियों ये सब ना करो, ये कोई हल नहीं है। गलत कर रही हो तुम सब, अल्लाह इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। आगा चुप रहे आप, अपना हक मांगना कब से जुर्म हो गया? अब क्या होगा, अपना हक जरूर लेंगे हम। ये क्या कर रही है?
कहाँ जा रही हो दाया? मलिका, इन सब को सबक दूंगी। हद से बाहर हो गई अपनी। छोड़ दो दाया, जितना चाहे चिल्लाने दो इन्हें। लड़कियों, खामोश हो जाओ, चुप करो, ये हंगामा खत्म करवाओ। लड़कियों खामोश हो जाओ, खामोश। मलिका आई हुई है यहाँ। अब चलती गुनाह नहीं है क्या? क्या चाहती हैं आप हमसे? किस लिए तनख्वाह कम कर दी? तुम्हें तो मैं वल्लाह तुम्हारी जुबान खींच लूंगा अभी। तनख्वाह चाहिए हमें, वरना आग लगा देंगे यहाँ। खामोश, खामोश हो जाओ, सुनो मेरी बात। शोर मचाने से मसले हल नहीं होंगे। क्यों तनख्वाह कम करूंगी मैं? मेरी कोशिश ये थी कि सबको बराबर का हक मिले। झूठ, ये बिल्कुल झूठ है। बस हमें तनख्वाह दे दीजिए। हमें तनख्वाह चाहिए, जश्न में तो बहुत सोना निझावर किया, अब हमारे लिए खत्म हो गया क्या? हमें तनख्वाह चाहिए। मैं कहता हूँ रुक जाओ वहीं। क्या हो गया तुम लोगों को? मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक जाओ, चुप हो जाओ, रुको, रुको, चलो, रुक जाओ, कुछ नहीं होगा तुम लोगों का। अभी तो इब्तिदा है हुरम, तुम हरम पे कब्जा नहीं कर सकती, बल्कि यहाँ तुम्हारी कब्र बनेगी। आगा, ये हंगामा थम जाना चाहिए फौरन। हर कीमत पे खामोशी चाहिए मुझे, वरना जिंदान में डाल देंगे। ये सब वालिदा का खेल है, इन सबको मेरा दुश्मन बनाना चाहती है वो। मुझे लगता है कि वो अभी से कामयाब हो गई है मलिका। वो समझ रही है कि कामयाब हो जाएंगी वो, लेकिन ये खेल खराब कर दूंगी मैं। गुलाम क्या करेंगी मलिका? कहाँ गया वो? मिल गया, शुक्र। मैं समझी कहीं खो गया। लाजवाब है ये। मेरी अम्मी की निशानी है। तुम्हारी तरह किसी का दिया हुआ तोहफा नहीं है ये। महल चलें क्या अब? उसकी वजह से आपका यह हाल है, या आप हमेशा से ऐसे ही बदमिजाज हैं? किसके बारे में कह रही है, मैं समझा नहीं। आर्मीन की। उसको अपने दिल से निकालने के लिए ही बाजार जाते हैं ना आप रोज। आखिर क्यों पूछ रही हैं आप? फिक्र है आपकी। ना करें फिक्र। आपकी इस तरह फिक्र करने से देखने वाला ये ना समझ बैठे कि मेरी आशिक हो गई आप। आका, मुझे याद फरमाया आपने। आओ पार गली। बहराम पाशा के साथ जो कुछ हुआ उसकी खबर है क्या तुम्हें? मालूमात मिल गई हैं आका। ये किसने किया है जानना चाहता हूं मैं। मुझे लगता है हमारा शक गलत नहीं था आका। वो जिसकी भी खिदमत कर रहा है उन्होंने उसे कुर्बान कर दिया। लगता है हमारे ताकुब का पता चल गया उन्हें। कौन हो सकता है वो, जानते हो उसके बारे में? कोई तो है, मगर जो कोई भी है लगता है वो हमारे बहुत ही करीब है और ताकतवर भी है। एहतियात करो। आप बेफिक्र रहें।
अधरना में मुस्तफा की और माहे दौरा की कोई खबर है क्या? मुस्तकिल मालूमात ले रहा हूँ आका। मुस्तफा और मलिका दोनों पुरसुकून हैं। मुस्तफा याद आ रहा है। आप अगर हुक्म करें तो वहां चलते हैं। देखते हैं। आका, अयाज पाशा तशरीफ लाए हैं, आपसे मुलाकात के मुंतजर हैं। आने दो उन्हें। मेरे आका, पाशा। कहो पाशा। आका, गिरीती आया है, एक बुरी खबर है। आर्चीडॉक फर्डिनेंड ने बुडापेस्ट पे दोबारा हमला कर दिया है। सबको दीवाने खास में आने के लिए कहो। आईबी के खातून, मुझसे खता हुई तो माजरत चाहता हूं। क्या हुआ? अब डर लग रहा है कि किसी को बता ना दूं? अल्लाह के सिवा और किसी से भी नहीं डरता हूं मैं अब। सुल्तान सुलेमान से भी नहीं डरते क्या बाली साहब? देर हो रही है, चलें अब। ये जान लो कि मलिका हमेशा ख्याल रखेंगी तुम लोगों का। आओ लड़की, मलिका कभी भी किसी को भी बेआसरा नहीं छोड़ेंगी। आओ लड़की, ये इजाफी रकम मलिका जाती हिस्से में से दे रही हैं उजरत के अलावा, जो बहुत अहम है। सब खुशियां मनाओ। आ जाओ लड़की, बस जाओ। अल्लाह आपसे राजी हो मलिका, आपकी हर मुराद पूरी हो। आमीन। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं, तुम लोगों के साथ की भी हर ज्यादती का अजाला किया जाएगा। मैं हमेशा साथ हूँ तुम लोगों के। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे मलिका। आमीन। आप खुशियाँ देखे मलिका। आमीन। आपको बहुत खुशियाँ मिले मलिका। आमीन। आपकी हर मुराद पूरी हुई। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे मलिका। गुलागा मलिका। दाया खातून, क्या ये सब ठीक है? पहले ही उजरत नहीं दी, ऊपर से ये सजा। यही शुक्र करो कि महल से नहीं निकाला। अब जरा भी आवाज निकाली ना तो देखना क्या करती हूं तुम लोगों के साथ। क्या हुआ? शिकायत की है हमारी तुमने? हुरम सुल्तान सलामत रहे, अपनी तरफ से उजरत दे दी उन्होंने, हमें अकेला नहीं छोड़ा। मोहतरम सुल्तान सुलेमान खान, हंगरी के शाह ज़पोलिया के हुक्म से कासिम पाशा ज़िकतवार के लिए रवाना हो गए हैं। इस मौके से फायदा उठाकर बोहिमा के शाह फर्डिनेंड ने वॉन रोगेनडॉर्फ की सपाह के हमराह बुदापेस्ट पर हमला कर दिया है। यह खबर पहुंचाने के लिए शुक्रिया गृति, तुम जा सकते हो। उन लोगों में अकल और शऊर खत्म हो गया है क्या? पाए तख्त को कौन खाली छोड़ता है? मेरे आका कासिद के जरिए खबर पहुंची है, कासिम पाशा बुडापेस्ट पहुंचने वाले हैं। वो अपनी सिपा के साथ महासरा तोड़कर बुडापेस्ट में दाखिले की कोशिश करेंगे।
क्या शार्कलेन और फर्डिनेंड ने मोहाच और वियाना के मार्गों से कोई सबक नहीं सीखा? तैयारी शुरू की जाए, तबले जंग बच चुका है।